हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? कीटो इनवर्ट ऑटोमेरिज्म नहीं आता होगा आप सब, मुझे पक्का पता है। अगर आता होगा तो कंफर्म नहीं होगा आप सबको, अगर आता होगा क्लियर नहीं होगा फंडा कि किस तरीके से कीटो इनवर्ट में कब कब कीटो ज्यादा होता है, कब कब इनवर्ट फॉर्म ज्यादा होगा। तो मैं आप सबको आज बिल्कुल क्लियर फंडा कर दूंगा कि किसमें कीटो इनवर्ट कैसे बनाया जाता है, किस किस कंपाउंड में होता है, और साथ में कब कब कीटो ज्यादा होता है, कब कब इनॉल फॉर्म। तो सबसे पहले देखें कीटो इनॉल बनाया कैसे जाता है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड में जनरली है। कंफिग्रेशन देखते हैं, आइसोमेरिज्म का पार्ट है ये कीटो इनॉल में। कीटो में समझ सकते हो आप, सी डबल बॉन्डो ग्रुप आना चाहिए। इनॉल में इन प्लस ऑल, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स अल्कोहल, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स अल्कोहल। तो इस तरीके से अगर बाई अगर आप देखो बाई इस तरीके से कर लेते हैं तो आपका ये एसिटल डिहाइड है। अगर इसका हम आइसोमेरिज्म अगर इसको हम ड्रॉ करें कि किस तरीके से इसको हम यहां से इसके जस्ट बगल वाला जो अल्फा कार्बन होता है उसका एक हाइड्रोजन ले लेंगे, यहां पर हमारे पास जाएगा दो, तो ये बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा ओ एच। ये आ गया आपका कीटो फॉर्म है, ये आ गया आपका इनॉल फॉर्म। ठीक है, कीटो फॉर्म आ गया, ये इनॉल आ गया। मैं आपको बता दूं, जब भी एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन या कीटोन होगा या कार्बोनाइल कंपाउंड डायरेक्टली सिंपल होगा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं सबका, तो उस पर कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, यानी 98% या 2% होगा। ऐसे ही बिल्कुल अगर देखा जाए एसीटोन के अंदर आ जाता है, अब अगर इसका कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या होगा, यहां से अल्फा है, तो अगर अल्फा है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से आपका कार्बन से या यहाँ से कहीं भी ले सकता है, एक हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर खोल चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इनॉल फॉर्म, इनॉल इन प्लस ऑल, और ये क्या लगेगा आपका कीटो फॉर्म। मैंने बोला बराबर एसीटाल्डिहाइड हो या कीटोन एसीटोन हो, इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, कीटो फॉर्म ज्यादा होगा 98% 99% कुछ में 95% बोल देते तो आप 1% जनरली ऐसे आपको फॉर्म जाता है। लेकिन फिनॉल के अंदर 100% क्या देता है, इनॉल फॉर्म, इसीलिए उसका नाम फिनॉल के अंदर 100% आ जाता है आपका इनॉल फॉर्म। नेग्लिजिबल अमाउंट में उसका आ जाता है कीटो फॉर्म, नेग्लिजिबल फॉर्म। तो अगर भाई इसमें देखा जाए ये इनॉल है और ये फिनॉल कंपाउंड है, ये 100% है अप्रोक्सीमेट, नेग्लिजिबल अमाउंट में, नेग्लिजना के बराबर में ये बनता है, ये ऐसा आ जाता है, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कीटो आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो क्या करेगा, ये यहाँ का ओ यहाँ से एच ले लेगा तो बन जाएगा ये कीटो फॉर्म, लेकिन ये नेग्लिजिबल है। तो ये आप एक बेसिक आइडिया आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है। अब रही बात किसी किसी कंपाउंड में कैसे, किसमें कीटो ज्यादा किसमें इनॉल ज्यादा है, तो मैं उसका फिर बता रही हूँ। बेसिक आ गया आप इसमें किसमें 100% इनॉल, इसमें कीटो कीटो फॉर्म है। अब और भी दूसरा आपको थोड़ा एक्सेप्शन लेके चलते हैं किस तरीके से बना। जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तब तक इनॉल फॉर्म इंक्रीज हो जाएगा, तब तक इनॉल फॉर्म इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं इधर यहाँ पर देखा जाए CH3 सी डबल बॉन्ड हो, CH2 सी डबल बॉन्ड हो, CO C2H5, अगर ऐसा करते हैं तो, अगर ऐसा है तो आपको मैं बता दूं, अगर ऐसा रहेगा तो इनके अंदर ये यहाँ पर आ जाता आपका कि ईस्टर आ गया यहाँ पर, अगर ये ईस्टर आ गया, अगर इसी का हम ऐसा करें तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसा अगर इस्टर है ये एसिटाइल, ठीक है इथाइल इस्टर है, ये इथाइल एस्टो इस्टर है, इसके अंदर एसिटाइल इथाइल एस्टो इस्टर है, तो इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बढ़ जाता है,
लेकिन फिर भी बढ़ जाता, मतलब जैसे पहले क्या होता था 98% हो जाता था अगर आपका कीटो तो 2%, अभी थोड़ा सा 76% कीटो वाला, अभी भी कीटो लेकिन ज्यादा है स्टाइल के अंदर, याद रखें कीटो ज्यादा 76% इसके अंदर थोड़ा सा कम आ जाता है, 76 से 100-76 आ गया। अभी भी यहाँ पर कीटो फॉर्म ज्यादा है, कीटो फॉर्म इज ग्रेटर देन इनोल फॉर्म, लेकिन लेकिन अब ये ऐसा स्टार्ट हो गया ना, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो कीटो फॉर्म कम हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर हो गया तो कीटो फॉर्म डिक्रीज हुआ। यही चीज अगर आप दूसरे इसके जस्ट बाद अगर लेके चले, हम अगर यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम्पल लर्न कर लें, बिल्कुल एग्जाम्पल लर्न कर लें किस तरीके से, अब यह जाएगा स्टाइल एसीटोन, अगर एसिटाइल एसीटोन अगर ये आ गया, अगर आप इसी चीज का अगर आप बनाते हैं इनोल फॉर्म, तो इनके इनके बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मैं आपको बता दूं, अब ये आ गया, ये आपका आ गया 90%, ये अप्रोक्सीमेट आ गया 10%। अब देखो फर्क आया कि इनोल फॉर्म क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा हो गया। अगर यहाँ पर CH3 के बजाय अगर फिनॉल आ जाए, फिनाइल ग्रुप आ जाए, C6H5 आ जाए या बेंजीन लग जाए तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, 92% हो जाएगा और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, क्या इनोलिक फॉर्म, इनोलिक अगर यहाँ पर C6H5 आ जाए तो और ज्यादा इनोलिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है समझना। और इसके बाद अगर ये कोई भी अगर एसिटाल्डिहाइड हो या एसीटोन है, कोई भी कंपाउंड हो, अगर ये पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात आती है, तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में आ जाता, फॉर एग्जांपल जैसे ईथर के अंदर, जैसे आप हेक्सेन के अंदर, जैसे हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर रहेगा तो उसका इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, जबकि पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कीटो फॉर्म ज्यादा होगा। याद रहेगा, याद रहेगा, फिर से मेरी वीडियो बार बार रिवाइज करके आप देख सकते हैं, क्या मैंने बताया, अगर ये आ जाएगा आपका कीटो वाला फॉर्म, अगर बहुत ज्यादा देखा जाए या इनॉल वाला फॉर्म, अगर ये कोई भी कंपाउंड सॉल्वेंट के अंदर अगर आप रख देते हैं या देखते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कौन हो जाते हैं, जैसे बेंजीन हो गया आपका, जैसे ईथर हो गया आपका, जैसे आपका हेक्सेन हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, तो ऐसी कंडीशन इन सब में क्या हो जाएगा, इनॉलिक फॉर्म ज्यादा हो जाएगा, जबकि वाटर वगैरह के अंदर क्या हो जाएगा, कीटो फॉर्म ज्यादा रहेगा। बस इतना बेसिक से बनना है, पहले क्या होगा कीटो एस्टाल्डिहाइड और कीटोन के अंदर क्या हो जाएगा एस्टोन, फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ, एस्टाल्डिहाइड एस्टोन के अंदर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा कीटो फॉर्म, फिनॉल के अंदर इनॉल फॉर्म ज्यादा हो जाएगा, अगर ईस्टर आ जाता है एक बार तो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, इनॉल फॉर्म थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर ये एसिटाइल एसीटोन आ जाता है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है इनॉल फॉर्म में, तो ज्यादा ज्यादा आ जाता है आपका इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म कम हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इससे क्या पता चला हमें, क्या पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पता चल गया कि होता है आपका इनॉलिक फॉर्म इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, समझ गया, बस इतना फिर से देखें।